आप चाहते हैं कि हमारे हिंदी में नंबर अच्छे आए तो मैं जो वीडियो अपलोड करता हूँ उसी के अनुसार आपको पेपर में लिखना है तो आप टॉपर आओगे। हम जानते हैं कि इंटरमीडिएट में हिंदी एक ऐसा विषय है जो आपके परसेंटेज को उछाल भी सकता है और आपको आपके परसेंटेज को डाउन भी कर सकता है। इसलिए अगर आप हिंदी में 95 क्रॉस करते हैं या 96, 97, 99 तक लाते हैं तो आपका परसेंटेज टोटली बढ़ जाएगा, है ना। तो हम जो वीडियो डालते हैं उनको बार बार देखो, हिंदी को निगलेक्ट ना करो, आप बड़े ध्यान से उनको देखा करो, उनको समझा करो, हार्ड वर्ड पर अपना ध्यान केंद्रित करो, जो कठिन शब्द हैं उनको सरल बनाने की कोशिश करो, उनके अर्थों को जानो और जो पूछा जा रहा पेपर में उसको आप अच्छे से तैयारी करो और वो चीज़ आप लिखो। हमने एडिटिंग करना इसीलिए वीडियो शुरू कर दिया जिससे आपकी पेपर की तैयारी हो, है ना। और इसी तरह से आप लोग पढ़ते रहो और आपकी तैयारी अच्छी हो। आइए वीडियो देखते हैं। आज हम जो है साहित्यिक परिचय मैथिली शरण गुप्त का डाल रहे हैं, आप उसको देखिए। आज हम मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। देखिए साहित्यिक परिचय इंटरमीडिएट में ज़्यादा पूछा जाता है और मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय बहुत महत्वपूर्ण है। तो पहले हम यहाँ पर लिखेंगे कि मैथिली शरण गुप्त का साहित्यिक परिचय। अब साहित्यिक परिचय दो रूपों में होता है, एक होता है भाव पक्ष में, एक होता है कला पक्ष में। तो आज हम जो है दोनों पक्षों का वर्णन यहाँ पर करेंगे। जब आप साहित्यिक परिचय सही लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो भाव पक्ष में, तो साहित्यिक परिचय में यहाँ पर पहला आएगा भाव पक्ष। तो भाव पक्ष में पहली हेडिंग आएगी भक्ति भावना, है ना। गुप्त जी राम के अनन्य भक्त हैं किंतु इनके राम कृष्ण से भिन्न नहीं है, अलग नहीं है। कृष्ण काव्य के मंगलाचरण में भी आपने राम की ही वंदना की है। राम के भक्त होते हुए भी ये उदारवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं। साकेत, ये महाकाव्य है द्विवेदी युग का, साकेत में जहाँ आपने राम का गुणगान किया वही द्वापर में कृष्ण का, अनग और यशोधरा में भगवान बुद्ध का, काबा और करबला में हसन और हुसैन के बलिदान की गाथा गाई गई है। इनकी राष्ट्रीयता बड़ी ही व्यापक और धर्म निरपेक्ष है। अब यहाँ पर दूसरी हेडिंग डालेंगे आर्य भावना का समर्थन। गुप्त जी की रचना में आर्य संस्कृति और मर्यादा का भलीभांति समर्थन हुआ है। मानव सेवा को ही अपना अभीष्ट मानते हैं। इनका कहना है कि संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। अब देखिए नंबर तीन हेडिंग डालिए राष्ट्रीयता की भावना। गुप्त जी राष्ट्र प्रेमी कवि हैं, इनकी रचनाओं में राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा पड़ा है। इनकी राष्ट्रीयता महात्मा गांधी से आधारित है, प्रभावित है। भारत भारती, साकेत आदि काव्यों में इनकी राष्ट्रीयता के स्वर पूर्णता मुखर हुए हैं। साकेत में महात्मा गांधी से प्रभावित होकर प्रभावित असहयोग आंदोलन, सत्याग्रह, अनशन आदि के चित्र मिलते हैं। इसके बाद बच्चों नंबर चार हेडिंग डालो समाज सुधार, यानी हर टॉपिक पर इन्होंने अपने काव्य में लिखा है समाज सुधार। गुप्त जी की रचनाओं में हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध आदि मार्मिक वर्णन हुआ है जो इनके समाज सुधार विषयक प्रकृति का परिचायक है। देखिए बच्चों कोई भी कवि हो, कोई भी लेखक हो, जब समाज के हर वर्ग को लेके चलता है तो वही राष्ट्र कवि कहलाता है। अब मैथिली शरण गुप्त ने हिंदुओं को भी लिखा, मुस्लिमों को भी लिखा, सभी धर्मों को लिखा। और छुआछूत को हटाना, दलितों पर ध्यान देना, ये सब चीज़ों पर इन्होंने लिखा। इसलिए
मैथिली स्वर्णगुप्त राष्ट्र कवि कहलाते हैं, है ना। अब इसके बाद राजनीति की भावना। गुप्त जी के वक्र संहार में अंग्रेजों के अत्याचारों का सांकेतिक वर्णन है। अधिकारों को प्राप्त करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। इसके बाद प्रकृति चित्रण, इन्होंने अपने काव्य में प्रकृति चित्रण भी किया है। गुप्त जी ने अपने काव्य में प्रकृति के आलंबन और उद्दीपन दोनों रूपों का चित्रण किया है। छायावादी प्रभाव के कारण गुप्त जी ने अपने गीतों में प्रकृति के मानवीयकरण पर भी जोर दिया है। कई इनकी रचनाएं पढ़ो तो इन्होंने मानवीयकरण पर जो है ज्यादा ध्यान दिया है, पर्सोनिफिकेशन। चरित्र चित्रण की सफलता। गुप्त जी के काव्य में अद्भुत संवेदनशीलता है। मानव हृदय का वास्तविक और सजीव चित्रण करने में गुप्त जी अद्भुत क्षमता रखते हैं, है ना। इनमें स्वाभाविकता एवं मर्म स्पर्शिता है। स्वाभाविकता माने जो जिसमें बनावटी नहीं है, है ना। और इसके बाद नारी के प्रति अटूट श्रद्धा और सहानुभूति है। तो गुप्त जी ने अपने काव्य में उर्मिला और यशोधरा जैसी परित्यक्तता नारियों के जीवन को अत्यंत ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी ढंग से चित्रण किया है। यशोधरा के प्रति उनकी सहानुभूति देखिए। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, है ना। और आंख और आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इसलिए अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैथिली स्वर्णगुप्त नारियों के जीवन पर भी बहुत लिखा है। उर्मिला, यशोधरा, इन पर आधारित तमाम टॉपिक उन्होंने लिखा, जिससे समाज जो है समाज में नारियों का उचित स्थान मिले। इसके बाद बच्चों आते हैं कला पक्ष में। कला पक्ष में देखो भाषा और शैली, है ना। तो गुप्त जी की भाषा शुद्ध और परिष्कृत खड़ी बोली है। इन्होंने जितनी रचनाएं किया वो खड़ी बोली में किया है। उसमें ब्रज भाषा की भांति माधुर एवं सरलता है। ब्रज भाषा बड़ी मधुर और सरल मानी गई है। कहीं कहीं संस्कृत के तत्सम शब्दों के कारण दुर्बोधता अवश्य आ गई है, फिर भी भाषा के प्रवाह में किसी प्रकार का अंतर नहीं दिखलाई पड़ता। उनकी भाषा में विषयानुसार ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश है। कहीं कहीं आंचलिक और देशज शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता दिखलाई पड़ती है। तुकों के आग्रह पर इन्होंने कहीं कहीं पर शब्दों को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास किया। इन्होंने शब्दों को तोड़ा मरोड़ा भी है। इसके बाद सामान्यतः गुप्त जी की शैली के चार रूप दिखाई देते। पहला है प्रबंधात्मक शैली, दूसरा है उपदेशात्मक शैली, तीसरा है गीत नाट्य शैली, चौथा है भावात्मक शैली। इन चारों शैलियों को हम इसमें लिखेंगे। तो पहला है प्रबंधात्मक शैली, इसे वर्णनात्मक शैली भी कह सकते हैं। इसमें सरल भाषा के माध्यम से कथानक की सजीवता देखने को मिलती है। साकेत, पंचवटी, जयद्रथवध आदि में यह शैली अपनाई गई है। उपदेशात्मक शैली, द्विवेदी युगीन उपदेशात्मक शैली का प्रयोग भारत भारती, वक्र संहार आदि रचनाओं में दिखलाई पड़ता है। इनकी भाषा सशक्त और ओजपूर्ण है। इसके बाद गीत नाट्य शैली, यशोधरा, सिद्धराज, नहुष काव्यों में कथोपकथन गेय है, यानी गा करके बताया। इन्हें पदों के रूप में व्यक्त किया गया है, जिसमें स्वाभाविकता और मर्म स्पर्शिता है। इसके बाद नंबर चार भावात्मक शैली, इमोशनल स्टाइल, है ना। झंकार इनकी रचना है। झंकार के गीत इस शैली में लिखे गए हैं। इनमें तन्मयता तथा सहानुभूति कूट कूट कर भरी है। इसके बाद हैडिंडार और रसछंद अलंकार। गुप्त जी की रचनाओं में प्रायः सभी रस मिलते हैं, किंतु करुण, विप्रलंब तथा वात्सल रस की प्रधानता है। वीर और शांत रस में भी जहां तहां दिखलाई पड़ जाते हैं। अनुप्रास, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, अतिशयोक्ति आदि अलंकारों का गुप्त जी के काव्य में विशेष प्रयोग हुआ है। इसके बाद आखिरी में डालिए
साहित्यिक महत्व है ना। गुप्त जी युगीन चेतना और उसके विकसित होते हुए स्वरूप के प्रति विशेष सजग और सचेष्ट थे। इनकी इसके स्पष्ट झलक उनके काव्य में मिलती है। राष्ट्र की आत्मा को जीवन देने के कारण वे राष्ट्र कवि कहलाए और आधुनिक हिंदी काव्य धारा के साथ विकास पथ पर चलते हुए युग प्रतिनिधि कवि के रूप में स्वीकार किए गए। नीचे ही गुप्त जी आधुनिक युग के श्रेष्ठ कवियों में विशिष्ट स्थान रखते हैं। धन्यवाद बच्चों, इस वीडियो को जो है शेयर कर देना बच्चों को, अन्य बच्चों को भी फायदा मिले। कमेंट करना, लाइक करना। अगर आप चाहते हो कि हम यूपी बोर्ड में टॉपर आएं तो आप एसपीजी क्लासेज की वीडियो देखिए। बेस्ट ऑफ लक, आपके अच्छे नंबर आए। धन्यवाद।